चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमहक से भी ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास दांत से भी इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहर पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात से की की मिट्टी में खून है शहीदों का फैसल नदीम साहब ने बहुत मेहनत के साथ, अगर आप पूरा नाम आए तो खातून के साथ बैठ गए। देखिए यह सर मजाक की बात है, ये सब काबिल एहतराम खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल नदीम ने बहुत मेहनत से आर्ट फाउंडेशन के लिए काम किया और एक मेरे ख्याल में कोई साल या दो साल की स्ट्रगल इनकी है। फैसल साहब क्या एक दफ़ा इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया के साथ और बहुत माजरत के साथ मैंने इनसे कहा कि मैं आ नहीं सकूँगा। अभी एक वो जो टी वी पे शो आता है आज टी वी उस पर अब तक टी वी पे शकील सिद्दीकी का, उस शो की रिकॉर्डिंग से फिर एक पीसी में तकरीब थी, अब यहाँ हो गए फिर हमने कहीं जाना और सबका यही याद हुआ है। तो उसमें भी बड़े मजे की बात हुई, हम बातें कर रहे थे तो शकील सिद्दीकी कहने के मैं तो मुँह में सोने का चमचा लेके बैठा हूँ। मैंने कहा सोने का नहीं होगा सुलाने का होगा बेटा, तो तुम्हारी अम्मी मुँह में देती होंगी कि चमचे के बगैर सोता नहीं है वरना चमचा गिरी की आदत पड़ेगी। तो वहाँ ये लोग जो करके सब रिकॉर्डिंग करके यहाँ पहुँचे। फैसल नदीम के लिए दो लफ मैं कहूँगा, ये मेरे भाइयों की तरह है, मेरे दोस्त हैं और सबसे बढ़ के जो एक बात है ये हार्ड वर्कर, और जिस चीज़ की ये ठान लेते हैं वो ये करके रहते हैं। और इन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सारी खवातीन को जमा किया, हजरात को जमा किया, दोस्तों को जमा किया, बड़े बड़े नाम हैं। अमजद सबरी हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नाम हैं। इस वक्त दो ऐसे पूल यहाँ में मौजूद हैं, मैं यावर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, लेजेंड हैं और ये मेरी इस बात की यकीनन तायद करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कहते हैं कि बहुत बड़े तनावर दरख्त के नीचे पौधे जो होते हैं ना छोटे वो पनप नहीं पाते,
क्योंकि उनकी सारी ऑक्सीजन तो वो बड़ा तरफ ले लेता है। लेकिन ये वो खुश नसीब बच्चे हैं दोनों, आसिफ मेहदी अपने माँ बाप के, आसिफ मेहदी और अमजद सबरी, जिन्होंने अपने वालदैन का और ख़ासतौर पे अपने वालिद का नाम बहुत मशहूर किया, और ऐसी औलादें कम लोगों को नसीब होती हैं। अल्लाह ताला की रहमत दरनवादी होती है। आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, अब वक्त ज़रा कम लेंगे और हम शो को मेरे ख्याल में आगे बढ़ाएंगे। मेरी तरफ़ से आपको बहुत मुबारक हो, आपकी ये तकरीब, आपका ये मिशन बहुत आगे तक जाए, और आपने जो अभी फरीद खान साहब भी आएंगे पेट्रोल तो पेट्रोल लेके क्यों आते हैं? उसके आते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं, क्योंकि उनकी मैचिंग तो डीजल से होती जो मेरे से बहुत सीनियर है, मैं तो शागिर्दों का शागिर्द हूँ, तो मैं उनसे सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मुझे कामन किरवानी कहते हैं और मैं भी मेहदी हसन साहब की लड़ी से ही एक राम मेहदी साहब का शागिर्द हूँ, तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ एक हक भाव के दो चार अशआर हैं, उसके बाद फिर बाकायदा Oh,